नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक भारद्वाज। आप देख रहे हैं हमारा चैनल टेक्नोलॉजी विद विवेक। दोस्तों, आज जो वीडियो लेकर आए हैं, एक बहुत ही कमाल का एप्लीकेशन आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा यूज़ में आने वाला है। जब आप लोग फ़ोन लेते हैं या जिन लोगों के पास भी फ़ोन है, वो अपने मोबाइल फ़ोन की पूरी जानकारी किस तरीके से निकाल सकते हैं, कैसे आपका फ़ोन वर्क करता है। और आप लोगों ने सुना होगा, जब अनबॉक्सिंग की जाती है फ़ोन्स की, चैनल्स पर, वीडियोस पर, और जो शॉप पर आप जाकर देखते हैं, तो आपको बताया जाता है ऑक्टा कोर क्या होता है, प्रोसेसर क्या होता है, गीगाहर्ट्ज़ क्या होता है, मेगाहर्ट्ज़ क्या होता है, ये सारी चीज़ें, सेंसर्स क्या होते हैं, कितने सेंसर्स आपके फ़ोन में हैं, बैटरी किस तरीके से काम कर रही है, ये सभी जानकारी दोस्तों आपके फ़ोन में जो होती है, वो एक एप्लीकेशन की मदद से आज मैं आपको दिखाऊँगा कैसे आप उसको देख सकते हैं और कैसे ये वर्क करती है। दोस्तों, काफ़ी कमाल की एप्लीकेशन है। आपको करना क्या है, आपको चलना है प्ले स्टोर पर, यहाँ लिखना है दोस्तों डिवाइस इन्फो। ये आप देख रहे होंगे नाम, डिवाइस इन्फो। सबसे ऊपर जो एप्लीकेशन आ रहा है, डिवाइस इन्फो सिस्टम CPU इन्फो जो इंस्टॉल है, इसको आप क्लिक करेंगे। यहाँ से क्लिक करने के बाद आप इसकी जानकारी देख सकते हैं दोस्तों। ये यहाँ पर जो है 4.6 इसकी रेटिंग है, काफ़ी अच्छी रेटिंग है, 1 मिलियन प्लस ज़्यादा इसको डाउनलोड्स मिले हैं। और आप जो है इसको दोस्तों यहाँ से ओपन करेंगे। ओपन करते ही दोस्तों आप देखेंगे ये डिवाइस की इन्फॉर्मेशन, देखिए किस तरीके से इसने शुरू कर दिए दिखाना। यहाँ पर रैम आप ऊपर देख रहे होंगे 5615 MB टोटल्स, कितनी यूज्ड है, कितनी फ्री है, 59% रैम का इस्तेमाल अभी फ़ोन कर रहा है, क्योंकि फ़ोन हमारा ऑक्टा कोर है, CPU इस तरीके से काम करता है, कोर 0, कोर 1, कोर 2, कोर 3। और यहाँ पर आप मेगाहर्ट्ज़ ये देख रहे हैं दोस्तों, जो वैल्यूज़ कंटिन्यूसली चेंज हो रही हैं। और इसमें बीच में क्योंकि 5 सेकेंड्स के ऐड भी आएंगे दोस्तों, क्योंकि अभी इसका प्रीमियम वर्जन हमने लिया नहीं है, आपको भी लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ अपने डिवाइस की इन्फॉर्मेशन देखनी है दोस्तों। अब हम यहाँ नीचे आते हैं इंस्टॉल में। आप यहाँ नीचे आप देख रहे हैं 50 out of 14 टेस्ट कम्प्लीटेड, 0 ऑप्टिमाइजेशन अवेलेबल। हमारा फ़ोन इस तरीके से चल रहा है कि अभी उसको ऑप्टिमाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। आप इंटरनल स्टोरेज देख रहे हैं दोस्तों, 108 टोटल GB यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ ये इतनी फ्री है और 50% यहाँ रेशो आ रहा है। बैटरी आप देख पा रहे हैं दोस्तों 85%, वोल्टेज जो है जो 45 mAh की हमारी बैटरी है, तो उस हिसाब से यहाँ पर लिखा आ रहा है। आप टेम्परेचर देख पा रहे हैं बैटरी का। सेंसर्स, जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट सेंसर्स जो होते हैं आपके फ़ोन में काम करते हैं, लाइट ऑन ऑफ, और जितने भी सेंसर्स आपने देखे हैं, फिंगरप्रिंट और ये सारी चीज़ें, ऐसे 31 सेंसर्स हमारे फ़ोन में हैं। आपके फ़ोन में भी इनकी मात्रा कुछ अलग होगी। 374 एप्लीकेशंस हैं दोस्तों हमारे फ़ोन में। कुछ एप्लीकेशंस पहले से आते हैं, कुछ हमने डाउनलोड किए हैं, इन सभी के बारे में हम बात करेंगे। अब दोस्तों डैशबोर्ड के पास आप देख रहे होंगे डिवाइस पर जैसे ही आप आएंगे, यहाँ देखिए डिवाइस का नेम, मॉडल, मैन्युफैक्चरर और ब्रॉड, हार्डवेयर, ब्रांड, एंड्रॉयड डिवाइस, फिंगरप्रिंट, USB सपोर्टेड, ये आप देख रहे हैं। सिस्टम में आप आएंगे दोस्तों, यहाँ पर एंड्रॉयड 11 रन कर रहा है, API लेवल 30 है, रिलीज्ड कब हुआ था, सिक्योरिटी पैच लेबर, बूट लोडर, बिल्ड नंबर, बेस बैंड, जावा VM, कर्नेल, लैंग्वेज, रूट मैनेजमेंट ऐप्स, ये देखिए दोस्तों, सिस्टम अप टाइम, वल्कन, ट्रेबल, सीमलेस अपडेट्स, ये सभी आप देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम करेंगे CPU पर, ये क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 712 जो है आया है हमारे फ़ोन में, 2x2 कायरो 360 गोल्ड सिल्वर्स, ये 10 nm बेस्ड है ये हमारा प्रोसेसर दोस्तों। आप यहाँ पर इसका नाम देख पा रहे होंगे, नीचे आप इस तरीके से CPU का टाइप देखते हैं, 64 bit का है CPU गवर्नर। और कोर्स आप देख सकते हैं दोस्तों, ये कोर्स रन कर रही हैं, किस तरीके से ये कोर्स रन करती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी क्या है, CPU का यूसेज आप देख रहे हैं दोस्तों, 70%, 39% इस तरीके से CPU यूज़ हो रहा है। रेंडर्ड GPU एंड्रीनो TM616 है हमारे में दोस्तों। आप बैटरी के लेवल पर आएंगे, यहाँ क्लिक कीजिए, हेल्थ बता रहा है बैटरी की, गुड लेवल 84, स्टेटस है डिस्चार्जिंग, पावर सोर्स बैटरी, ली पॉलीमर की 28 डिग्री अभी जो है बैटरी का तापमान है दोस्तों। इसी के साथ आप आएंगे नेटवर्क पर, IP एड्रेस, सब नेट मास्क, DNS 1, DNS 2, ये आप नेटवर्क देख पा रहे हैं। अब दोस्तों बात आई है डिस्प्ले की, आपके फ़ोन की डिस्प्ले किस तरीके से है आप देख सकते हैं। यहाँ रेजोल्यूशंस आ रहा है, डेंसिटी 480 DPI, फ्रंट स्केल, फिजिकल साइज 644 इंच की ये स्क्रीन है, रिफ्रेश रेट जो है 60Hz है फ़ोन में, HDR सपोर्टेड है, ब्राइटनेस लेवल 11% है दोस्तों अभी, ब्राइटनेस का मोड अडेप्टिव है, स्क्रीन टाइम आउट हो जाती है 30 सेकेंड्स में, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट है। इसी के साथ दोस्तों मेमोरी पर आएंगे, ये देखिए रैंडम एक्सेस मेमोरी LPDDR4X 1
866 मेगाहर्ट्ज़ रैम का इस्तेमाल किया गया है। इसमें 6GB रैम है दोस्तों, जो कि आपको दिख रही है। यहाँ सिस्टम स्टोरेज आप देख पा रहे हैं, इंटरनल स्टोरेज आप देख पा रहे हैं। इसी के साथ दोस्तों हम आते हैं कैमरा पर। ये देखिए बैक कैमरा बता दिया है इसने, 48 मेगापिक्सल का है। फ्रंट कैमरा बता दिया है 32 मेगापिक्सल का है। यहाँ पर किस पिक्सल में इनकी फोटो प्रोसेसिंग होती है ये भी लिखा हुआ है। नीचे आप देख रहे हैं एंटी बेंडिंग मोड्स, एब्रिवेशन, ऑटो एक्सपोजर, कंपेंसेशन, ऑटो फोकस, इफेक्ट्स, सीन मोड्स। ये दोस्तों जितने भी आपके कैमरा की जो फंक्शनलिटीज़ होती है, थंबनेल साइज, हार्डवेयर लेवल, लेंस प्लेसमेंट, अपार्चर्स, ये दोस्तों आपके सभी कैमरा की आप इन्फॉर्मेशन यहाँ से ईजिली निकाल पाएंगे। किस मेगापिक्सल में किस रेजोल्यूशन का फोटो यहाँ पे क्लिक किया जाता है ये भी आप देख पा रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर सेंसर साइज देख पा रहे हैं, पिक्सल एरे का साइज देख पा रहे हैं, ओरिएंटेशन देख पा रहे हैं दोस्तों। अब आएंगे हम थर्मल पर। ये थर्मल आपको कोर्स की डिग्री बता रहा है, जो आपके GPU, कैमरा, ये सारी चीज़ें पर्टिकुलरली कितने डिग्री सेल्सियस इनका तापमान है दोस्तों, ये यहाँ पर आप देख पा रहे हैं। ये देखिए जितनी भी चीज़ें इसके अंदर लगी हुई हैं, इन सभी का आप यहाँ से तापमान देख पा रहे हैं। नेक्स्ट है दोस्तों सेंसर्स, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। यहाँ लिखा आ रहा है 31 सेंसर्स आर अवेलेबल ऑन योर डिवाइस, हमारे डिवाइस पर 31 सेंसर्स हैं दोस्तों। काम कैसे करते हैं यहाँ पर एक देखिए, सभी के आगे आपको प्ले बटन दिख रहा है, और ये सबसे अच्छी चीज़ है आपके सेंसर को चेक करने के लिए। हम पहला करते हैं एक्सेलेरोमीटर नॉन वेकअप, यहाँ क्लिक करेंगे दोस्तों। ये आप फ्रीक्वेंसी देख रहे हैं दोस्तों, और जैसे ही मैं इसको शेक करूँगा तो ये लाइन्स आपस में जो है और ज़्यादा ज़िगज़ैग हो जाएंगी। ये आप देखिए मैंने फ़ोन को शेक किया, शेक जैसे ही किया तो ये जो लाइंस हैं ये, क्योंकि ये देखिए आपका सेंसर्स इस स्पीड से जो है चलने लगा है। जैसे ही आप इसको फिर से देखिए शेक करेंगे, ये स्पीड देख रहे हैं आप एक्सेलेरोमीटर। इसी के साथ दोस्तों और भी आपको यहाँ दिख रहे हैं एम्बिएंट लाइट सेंसर वेकअप, यहाँ एम्बिएंट लाइट सेंसर वेकअप पर आप क्लिक करेंगे ये देखिए। और जैसे ही हम ये इसको भी दोस्तों शेक कर रहे हैं तो ये देखिए यहाँ से चेंज हो रही हैं। आप आसानी से समझ सकते हैं दोस्तों कि कैसे सेंसर्स काम करते हैं आपके मोबाइल फ़ोन में, और ये जितने भी सेंसर्स हैं ये सारे आप चेक कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी चीज़ है ये, काफ़ी अच्छे। यहाँ पर देखिए मोशन डिटेक्शन पर आप जाएंगे, मोशन डिटेक्शन ये आपको दिखा रहा है, और ये सभी सेंसर जो है दोस्तों आपके फ़ोन में अच्छे से काम कर रहे हैं। अब आते हैं दोस्तों ऐप्स पर। ये ऐप्स देखिए आप, यहाँ आपको दिख रहा है यूज़र, सिस्टम और ऑल, ये जो यहाँ लिखा आता है, और ये जो है हमने इंस्टॉल किए हैं वो वाले आपको पहले एप्लीकेशन यहाँ दिख रहे हैं जो यूज़र ने किए हैं। इस तरीके से दोस्तों जो सिस्टम ने किए हैं वो है 317। ये आपके जो फिंगरप्रिंट सेंसर्स होते हैं माउस के, और जो कीबोर्ड के, और आपके पावर बटन के, कॉल मैनेजमेंट, कैमराज के, ये ऐसे 317 एप्लीकेशन सिस्टम के हैं। ये यूज़र के हैं 57। इसी तरीके से आप ऑल कर देंगे तो 374 एप्लीकेशन इस डिवाइस के अंदर अभी अवेलेबल है दोस्तों। आप यहाँ पर एनालाइज पर जाएंगे तो एनालाइज भी आप देख सकते हैं, प्री इंस्टॉल कितने आए थे, गूगल प्ले से कितने इंस्टॉल किए गए, वी ऐप स्टोर से कितने इंस्टॉल किए गए, ये अलग अलग तरीके की चीज़ें यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों। अब आ गया है टेस्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है दोस्तों टेस्ट। इसमें फाइनल ये मेन्यू है, ऑटोमेटिक टेस्ट डन है, डिस्प्ले डन है। ये दोस्तों अभी जो आपको राइट टिक दिख रहे हैं ये मैंने कल कर लिए थे, चेक किए थे वीडियो बनाने के लिए। ये दोस्तों ऑटोमेटिक टेस्ट करता क्या है, आप यहाँ क्लिक करेंगे, देखिए ये मेरे फ़ोन को चेक कर रहा है और इसने देख लिया है परफेक्ट, योर डिवाइस लुक गुड। रीस्टार्ट किया था मैंने इसको, 3 दिन के अंदर एक बार रीस्टार्ट किया जाना चाहिए। USB डिबगिंग डिसेबल्ड है, स्क्रीन ब्राइटनेस भी ऑप्टिमाइज्ड है, स्क्रीन टाइम आउट भी ठीक है, स्क्रीन लॉक भी कॉन्फ़िगर्ड है, वाईफाई बंद है। तो अभी टेस्ट हमारा बंद, ये दोस्तों एक आपको 5 सेकंड का ऐड देखना पड़ेगा इसमें, क्योंकि ये अभी हमने ख़रीदा नहीं है। आप दोस्तों ये नीचे जितनी भी चीज़ें हैं ये कैसे चेक करी जानी है ये मैं आपको दिखा देता हूँ। डिस्प्ले पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए डिस्प्ले में टर्न ब्लैक, वाइट, रेड, ग्रीन, ब्लू, ये इतने सारे कलर कर देगी। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे और स्वाइप करते जाएंगे इससे पता चलेगा कि आपकी डिस्प्ले प्रॉपर वर्क कर रही है। ये देखिए ये जो कलर चेंज हो रहे हैं डिस्प्ले के, ये बता रही है कि सॉलिड कलर्स हैं और आपकी डिस्प्ले ठीक है दोस्तों। मल्टी टच आप देख सकते हैं, आप मल्टी टच पर क्लिक करेंगे, आप जहां भी अपनी फिंगर को लगाएंगे ये देखिए ये टच को डिटेक्ट कर रहा है। जहां भी हम इसको टच कर रहे हैं, 2 फिंगर एक साथ लगाएंगे तो आपको ये 2 फिंगर दिख रही हैं, और इससे पता चलता है कि आपका टच बिल्कुल एक्यूरेट जो है काम कर रहा है।
इसी के साथ दोस्तों फ्लैश लाइट आप देख सकते हैं, तो फ्लैश लाइट ऑन हो जाएगी। लाउड स्पीकर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको लाउड स्पीकर सुनाई देगा, एयर स्पीकर आपको सुनाई देगा, माइक्रोफोन ये देखिए माइक्रोफोन भी यहाँ पर आप जैसे ही हम क्लिक करेंगे और हम दिस टाइम के लिए अलाउ कर देते हैं, ये देखिए जो प्रोग्रेस चेंजिंग हो रही है मीन्स कि हमारा माइक्रोफोन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। ईयर प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर दोस्तों, एक्सेलेरोमीटर, वाइब्रेशन, ब्लूटूथ, फिंगरप्रिंट टेस्ट, वॉल्यूम अप डाउन बटन, ये सभी आप टेस्ट करके देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा ये एप्लीकेशन दोस्तों मुझे समझ आया, इसलिए मैंने सोचा कि इस पर वीडियो ज़रूर बनाया जाए, आप लोग को भी बताया जाए कि ये कितने काम की चीज़ है। आप यहाँ दोस्तों तीन डॉट पर क्लिक करेंगे राइट टॉप में, तो यहाँ से आप सेटिंग्स पर जा सकते हैं। एड्स को रिमूव अगर आप करना चाहते हैं तो ये इस तरीके से आपको तीन से चार ऑप्शंस दिख रहे हैं, आप इनको परचेज कर सकते हैं अगर आपको ये डिवाइस पसंद आया है तो, नहीं तो आप इसका फ्री वर्जन भी चला सकते हैं। काफ़ी अच्छी जानकारी ये आपके फ़ोन की दोस्तों आपको दे रहा है। मैं आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ आया होगा, कैसे इस एप्लीकेशन को यूज़ करना है ये समझ आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मेरा नाम है विवेक भारद्वाज, थैंक यू।